विद्यार्थियों, आज हम पाठ 12 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है संसार पुस्तक है। पाठ 12 का शीर्षक क्या है? संसार पुस्तक है। यह एक पत्र है। यह पत्र किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को जो पत्र लिखते हैं, उसके माध्यम से उसे जो शिक्षाएं देते हैं, उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में जानते हैं, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं, वो क्या है, उनका जन्म हुआ है 14 नवंबर 1889 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म कब हुआ? 14 नवंबर 1889 में। मृत्यु हुई है 27 मई 1964 में उनकी मृत्यु हुई। आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे वे, और बच्चों से उन्हें बहुत अधिक लगाव था। वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते थे। पंडित नेहरू जी किस नाम से जाने जाते थे? चाचा नेहरू जी के नाम से जाने जाते थे। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी, तो नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखी। इनमें बताया कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा और पहचाना। ये चिट्ठियां बच्चों में आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती हैं। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता था। ये चिट्ठियाँ पिता के पत्र पुत्री, ये चिट्ठियाँ कहाँ संकलित हैं? पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक है। नेहरू जी की पुस्तक का नाम है पिता के पत्र पुत्री के नाम। उस पुस्तक में ये सारी चिट्ठियाँ संकलित हैं। तो हमारे पाठ में भी जो पत्र दिया हुआ है, जो चिट्ठी दी हुई है, क्या नाम है उसका? संसार पुस्तक है। उसका शीर्षक संसार पुस्तक है। यह पाठ भी कौन सी पुस्तक में से लिया गया है? पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में से ही लिया गया है। खास बात यह है कि ये नेहरू जी ने अंग्रेजी भाषा में लिखे थे सारे पत्र, और हिंदी में अनुवाद किसने किया है? हमारे जो महान उपन्यासकार हैं मुंशी प्रेमचंद जी, इन्होंने इन पत्रों का हिंदी में अनुवाद किया है। अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। पाठ का शीर्षक क्या है? संसार पुस्तक है। इस पाठ का शीर्षक क्या है? संसार पुस्तक है, ठीक है। तो यह क्या है, पंडित नेहरू जी इंदिरा गांधी को पत्र लिखते हैं और संसार के बारे में बताना चाहते हैं। ये पूरे संसार के बारे में उन्हें जानकारी प्रदान करना चाहते हैं। इसको हम पढ़ते हैं। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सारी बातें पूछा करती हो। पंडित नेहरू जी किसे कह रहे हैं? इंदिरा गांधी जी से कह रहे हैं कि जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो, और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह से बातचीत नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने इरादा किया है कि मैं कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है, छोटी छोटी कथाएँ लिखा करूँ। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल कहाँ पढ़ा होगा? इतिहास में पढ़ा होगा। लेकिन इंग्लैंड जो है वो क्या है, एक छोटा सा टापू के समान है। इंग्लैंड कैसा है? बहुत छोटा सा देश है। और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, हिंदुस्तान क्या है, बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। दुनिया बहुत बड़ी है, तो इंग्लैंड तो बहुत ही छोटा सा है, लेकिन हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, लेकिन दुनिया के सामने क्या है, एक बहुत ही छोटा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है, तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इन देशों में बसी हुई हैं, ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश को नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो, तुम्हें उस देश का ही ध्यान नहीं रखना जिस देश में तुम पैदा हुई हो, अपितु इस दुनिया में कितनी जातियां रहती हैं, कितने तरह के लोग रहते हैं, कितने सारे देश हैं, उन सब के बारे में तुम्हें जानना पड़ेगा। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे कथों में बहुत थोड़ी सी बातें मैं बता सकता हूँ। पंडित नेहरू जी क्या करें इंदिरा गांधी से कि जो छोटे छोटे पत्र हैं, इनमें मैं तुम्हें ज़्यादा बातें नहीं बता सकता हूँ, बहुत थोड़ी सी बातें ही मैं तुम्हें बता सकता हूँ। लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों का भी तुम क्या करोगे, बहुत ही शौक से पढ़ोगे और समझोगी। दुनिया एक है, दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे क्या हैं, भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल
मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगे। नेहरू जी क्या कह रहे हैं इंदिरा गांधी से कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो इस दुनिया के बारे में और यहाँ के आदमियों के बारे में किस में की जानकारी किससे प्राप्त करोगी, मोटी मोटी किताबों से प्राप्त करोगी। उसमें तुम्हें आनंद में जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी नहीं मिलेगा। या तो तुम जानती हो कि ये धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है, या तो तुम जानती हो कि ये धरती जो है लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी नहीं था। इस धरती पर बहुत दिनों तक कोई भी आदमी नहीं था। आदमी उससे पहले सिर्फ क्या थे, जानवर थे। और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानवर नाम की चीज नहीं थी, मतलब जानदार नाम की जिसमें जान हो ऐसा कुछ भी नहीं था। आज जब दुनिया हर तरह के जानवर और आदमी से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी बहुत मुश्किल है जब यहाँ कुछ नहीं था। हम मतलब उस टाइम का ख्याल भी नहीं कर सकते, उस टाइम के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं जब इस संसार में जान नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जान मतलब सजीव लोग कोई भी नहीं थे। पहले सबसे पहले क्या थे, जानवर थे। जानवरों से पहले भी कोई भी नहीं था यहाँ पर, तो उस समय के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद ही गर्म थी और इस पर कोई भी जानदार नाम की चीज़ नहीं रह सकती थी। अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद ही मालूम होगा कि ऐसे समय ऐसा जरूर रहा होगा, ऐसा जरूर समय रहा होगा जब कोई भी नहीं था इस दुनिया में। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ था। भाई हम इतिहास की किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में तो कोई आदमी पैदा ही नहीं हुआ, तो किताबें लिखता कौन? वहाँ उस समय की स्थिति के बारे में कौन लिखता? तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम होंगी? यह तो नहीं हो सकता कि बैठे बैठे हर कोई बात, हर कुछ भी हम बात सोच सकें। यह बड़े मज़े की बात होती है, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते हैं सोच लेते हैं, सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते हैं, लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है? लेकिन खुशी की बात क्या है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें नहीं होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे उतनी बातें मालूम होती हैं जितनी किताबों से होती हैं। मतलब पुराने ज़माने में भी हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिनसे हमें उस समय के बारे में जानकारी मिलती है, जिस जो जानकारी हमें किताबों से प्राप्त होती है वही हमें उन वस्तुओं से भी प्राप्त हो सकती है। जैसे कौन कौन से हैं, जैसे पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इस तरह की और भी अनेक चीज़ें हैं जिनसे हम दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें, खुद संसार के बारे में जानकारी प्राप्त करें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मज़े की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, मतलब पत्थर का जो टुकड़ा है जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ी हुई देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा प्रश्न हो, शायद संसार के बारे में हमें वह छोटी सी कोई जानकारी प्रदान कर दे, शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आना चाहिए, तुम उसके बारे में महसूस कर पाओ, तुम उसे समझ पाओ, यह शर्त है। अगर उस पत्थर के बारे में हम समझ पाएंगे, तुम समझ पाओगी, तो ज़रूर संसार के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर पाओगी। आगे का पाठ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक इस पाठ को आपको दोबारा ध्यान से पढ़ना है बहुत अच्छे से, और उसमें जो भी तथ्य दिए हुए हैं उनको देखना है, ठीक है? धन्यवाद।